भाइयों मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सब लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हो ना? ऑलवेज। आज तक आपको कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ी है? नहीं। लेकिन जेठालाल को मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है, हर महीने इसका मेंटेनेंस का चेक लेट ही आता है। भाई भिड़े, तेरा मेंटेनेंस मैं दे दूंगा, वो भी आज ही दे दूंगा, और वो भी पूरे साल का एक साथ, वो भी रोकड़ा। अरे आप बड़े आदमी हैं, तभी तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। अब हम लोग शादी में आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम लोग शादी में नहीं आ पाए। मैंने तेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी लिए। तो बाबूजी आज के आज मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, नट्टू काका के हाथों कुकर भिजवा देता हूँ। चलो भाई एमजी रोड चलो। अरे नहीं भाई, नहीं जा सकता। क्यों? रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया है। अरे सुबह सुबह लोग धंधा चालू करते हैं, तुम बंद कर रहे हो? भाई साहब मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी रात रिक्शा चलाया हूँ, अभी ओवर टाइम हो गया है। तुम लोगों को भाड़ा नहीं लेना होता है तो कुछ भी बहाना बनाते हो। नहीं ठीक है बैठो। अगर रिक्शा चलाते चलाते मुझे नींद आ गई, अब मैंने रिक्शा कहीं ठोक दिया, तो प्लीज मुझे जगा देना। आइए बैठिए। अरे बैठिए ना रिक्शा। चलो चलो चलो, रोको मत रोको मत, चलो चलो ठीक है। बाका को फोन करके बोल देता हूँ जल्दी से दुकान पहुंच जाए। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा भाई। अरे किसी को काम करना ही नहीं है। ओ भाई क्या हुआ भाई, तुमको भी काम नहीं करना है? नहीं साहब। क्यों? मतलब करना है साहब। तो फिर रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब आगे ट्रैफिक जाम है, आप ही देखो ना। ओह तो टेंशन के मारे यहाँ दिमाग जाम हो गया, ऊपर से भी है ट्रैफिक जाम। बीच रोड में क्यों खड़ा हो भाई? पागल हो गया? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है तुमको? एक मिनट में देख के आया। अरे भाई भाग मत जाना। अरे साहब इतने ट्रैफिक में कहाँ भाग के जाऊंगा मैं। हाँ हाँ क्या हुआ भाई साहब? अरे एक पागल आदमी बीच रोड में खड़ा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। बोलो, आज तक गाय की वजह से ट्रैफिक जाम होते हुए सुना था, अभी ये? हाँ पता नहीं, कोई सम स्टूपिड गाय है। गाय है क्या, आदमी है? भाई मैं वहाँ जाकर नहीं देखा हूँ, आदमी है की गाय है। एक काम करो आप, देख के बताओ ना आदमी है की गाय है। अरे भाई सब काम पे ही लगाते हैं सब, कौन है भाई? कहाँ जाना है आपको भाई साहब? क्यों रास्ते में खड़े हो आप? सेठ जी आप आ गए, चाय बोलूं? अरे तू दुकान में नहीं खड़ा है तो? बाप रे, ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? अरे रास्ते के बीचों बीच। क्यों? मुझे क्या पता, तुझे पता, तू पता? मैं क्या बताऊँ, मुझे भी नहीं पता। आगा, किसी ने तुझ पे जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? पहले एक पागल खड़ा था, अब दो दो हो गए। ओ भाई साहब ये पागल नहीं है। हाँ मैं इसको नहीं तुमको बोल रहा हूँ। पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ तुमको। सेठ जी जाने दीजिए उसे, साइड पे आ जाइए। ये देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो गया। अबे ट्रैफिक जाम तेरी वजह से हुआ है, मुझे क्या बोल रहा है, तू साइड पे जा। मेरी वजह से? सॉरी सॉरी हाँ भाई। चलो एक पागल हटा। फिर से पागल बोला। अरे सर मैं क्या बोला, इसने बोला। क्या बोला फिर से बोल। माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ मैं, प्लीज हट जाइए, मैं पागल हूँ। चलो चलो भाई चलो, गाड़ी गाड़ी चलो भाई, बैठो गाड़ी बैठो।
क्या हो गया इसको? बागा? अरे क्या हो गया तुझे? तू बार बार डरावना स्टैट्यू क्यों हो जाता है? पता नहीं सेठ जी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। बागा? तबीयत तो ठीक है ना भाई? अरे फिर गया। बागा, बागा। चल चल तो दुकान जाता है, मैं रिक्शा लेके आया हूँ तेरे लिए। आजा 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 जी। संभाल के। जी सेठ जी। आजा आइए बैठ जा। चलो भाई। बागा? क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कह दिया है? नटू काका से बोला चली हो गई? नहीं नहीं सेठ जी, नटू काका तो गौ है गौ, और मैं उनका लाडला भतीजा हूँ। तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नटू काका आज गाँव जा रहे है ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं दुकान एकदम अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, पहुंच गए दुकान। देख बागा, नटू काका नहीं और दुकान में बहुत सारे काम है, तू सब कर लेगा ना? हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगा। क्या क्या काम करने हैं वो सब मुझे नटू काका ने बता दिया है। सबसे पहले स्टॉक चेक करना है, नए ऑर्डर देने हैं और पार्टी के चेक बनाने हैं। शाबाश। लेकिन ये सब काम से पहले मेरे दो बहुत ही जरूरी काम है, वो तुझे पूरे करने हैं, ठीक है? पहला काम, मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो 50,000 तू गोकुलधाम सोसाइटी में जाके भिड़े के मुंह पे मारना। मतलब उसके हाथ पे मारना। क्या ताली? अरे भाई, मतलब वो 50,000 भिड़े के हाथ में इस तरह रखना कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसे तूने उसके मुंह पे मारे। जी सेठ जी। और दूसरा काम? दूसरा काम अपने विक्रम भाई है ना। विक्रम भाई? अरे विक्रम भाई एल्युमिनियम। हाँ विक्रम भाई। हाँ वो, उनकी दुकान पे जाना, वहां से 1500-1700 का कोई बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीदना, उनको बोलना बढ़िया सा वो गिफ्ट पैक करके दे, और वो कुकर बापू जी का दोस्त है माऊजी भाई टेढ़ा, माऊजी भाई छेड़ा, उनके घर पे जाके वो दे के आना। जी सेठ जी। एड्रेस? वो मैं तुझे लिख के दूंगा, ठीक है? जी। अरे मगन। जी सेठ जी। गोडाउन खोला है? नहीं, खोलता हूँ। खोल, खोल जल्दी, खोल जल्दी, खोल। मैं गोडाउन में से पैसा लेके आता हूँ। जी सेठ जी। आइए आइए आइए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आइए भाई साहब, एक बढ़िया सी कंपनी का फेस दिखाई। जी जी जी, जरूर। बागा। जी सेठ जी। देख जरा। जी आइए 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 आइए। ये देखिए, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक, इसकी स्पिनिंग एकदम अच्छी है, ये 95% तक कपड़े अंदर ही सुखा देता है। अरे भाई साहब, आप मुझे वॉशिंग मशीन क्यों दिखा रहे हो? हमें वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। ओ सॉरी, ये देखिए, ये है टीवी के अलग अलग मॉडल। आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? भाई साहब, हमें टीवी नहीं, फ्रिज चाहिए। कमाल है, तो फिर पहले इन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन दिखाने को क्यों कहा? अरे भाई साहब, मैंने कब बोला आपको वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए?
अरे भाई साहब, मैं क्या पागल हूँ कि आपको टीवी खरीदना हो और मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखाऊं? अरे भाई साहब, मुझे टीवी नहीं खरीदना है। तो फिर आपको क्या खरीदना है? मुझे फ्रिज 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 खरीदना है। ओ अच्छा, आपको तीन फ्रिज खरीदने हैं। तो एक ही कलर, एक ही साइज और एक ही मॉडल के दिखाऊं या अलग अलग चलेंगे? भाई साहब, मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना है, चलो। अरे सुनिए, क्या कस्टमर गए? हाँ सेठ जी। अरे वाह, ले लिया फ्रिज? नहीं। क्यों? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज थे, टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे। अच्छा, ये ले, ये इसमें 50,000 है, ये 50,000 भीड़े भाई को देने हैं। बराबर। और ये माऊजी भाई के घर का एड्रेस है जी। ये तो 2,000 रुपया रख, इसमें से 1500-1700 का बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीद करके उसका गिफ्ट पैक करा के माऊजी भाई के घर पे दे देना, ठीक है? जी सेठ जी। पहले माऊजी भाई के घर पे जाना और वो काम पहले खत्म करना भाई, हाँ, बाद में भिड़े भाई के घर पे जाना, ठीक है? जी हाँ, निकल निकल। हाँ सुन जी, और जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। हाँ हाँ, बोल दिया। अरे जेठिया, बहू नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ बापू जी बोलिए। वो माऊ जी तेरा कोई हाथ से कुकर भिजवा देना, वरना पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। बापू जी आप चिंता मत कीजिए, मैंने बग्गा को रवाना कर दिया है, उसको 50,000 दे दिया है, वो भिड़े के घर पे दे देगा और ऊपर से 2,000 दिए उसमें से कुकर खरीद के माऊ जी भाई के घर पे दे देगा। वो कुकर खरीद के भी माऊ जी भाई के घर पे पहुँचता ही होगा बापू जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। जी कहिए। नमस्ते, माऊजी भाई छेड़ा? मैं माऊजी भाई नहीं, उनकी पत्नी हूँ। वो तो पता चलता है माजी, लेकिन मुझे माऊजी भाई छेड़ा से काम है। अरे लक्ष्मी, कौन आया है? वो नमस्ते, मैं बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। मेरे सेठ जी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने मुझे भेजा है। ओ अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। आओ अंदर आओ। थैंक यू माजी। चंपकलाल ने भेजा है? हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। जी हमारे सेठ जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। सुनो जी, व्यवहार संभालने के लिए आदमी भेज दिया, कोई छोटी मोटी गिफ्ट हो तो मना कर देना। गिफ्ट में क्या है ये पकड़ेंगे? एक मिनट। थैंक यू, ये लीजिए, हमारे सेठ जी ने आपके लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। 50,000 50,000 रुपए। चीकू, बहू, आओ, देखो ना, तेरे जेठा भाई ने 50,000 रुपए भेजे। वाओ, 50,000 रुपए शादी के गिफ्ट में। हनीमून, हनीमून। पापा, आप हनीमून के लिए मना कर रहे थे ना, अब तो पैसे आ गए, अब तो हनीमून को जा सकते हैं ना। हाँ हाँ, जाओ जेठालाल के नाम पर घूम फिराओ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू जेठा भाई। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना, चाय नाश्ता कुछ लेंगे? बैठो बैठो बैठो, कुछ लेना पड़ेगा, प्लीज आइए तो बैठिए तो। मैं आपके लिए अभी कुछ गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, एक मिनट, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे थैंक यू कहना तेरे सेठ को, भगवान ऐसा बड़ा दिल सबको दे। अब ये कुकर भिड़े भाई के यहाँ। बागा भाई। अरे अब्दुल भाई सलाम। बागा भाई सलाम, कैसे हो?
हर किसी के पास दो आंख, एक नाक और दो कानूस है। उजाला है चारों ओर, लेकिन दिल में बुझा फानूस है। कानूस? कान कान। हाँ हाँ हाँ। बागा भाई, सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए, क्या लोगे आप? आप इतना बोल रहे हैं अब्दुल भाई, तो एक ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू दे दीजिए। एक मिनट, अभी देता हूँ। क्या कहा? एक ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू। बागा भाई, ऐसा तो कोई शैम्पू नहीं है। तो टेम्पू भर के मंगवाइए। भाई बागा भाई, मसाला सोडा तो नहीं मांगते? बागा भाई, मैं मसाला सोडा बना के देता हूँ। नहीं अब्दुल भाई, अब मूड चला गया, मुझे भिड़े भाई के घर ये पार्सल देने जाना है, चलता हूँ। अरे बागा भाई, बागा भाई सुनिए तो। बागा भाई को क्या हो गया? ये समझता क्या है अपने आप को जेठालाल? मुझे प्रेशर कुकर बोलता है, प्रेशर कुकर। साउदे नाता। अरे कहाँ है साउदे माधवी, सबके सामने उसने मुझे प्रेशर कुकर बोला है। तो आपने भी कम नहीं सुना है उनको, आपने भी उनको बोला ना फाफड़ा जलेबी। हाँ तो बोलूंगा ही ना, बोलूंगा ही फाफड़ा जलेबी, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता उसे। फाफड़ा जलेबी कुटला। आज बड़ी डिंगे मार रहा था ना, बोल रहा था कि पूरे साल का मेंटेनेंस एक साथ दूंगा, वो भी रोकड़ा। कहाँ है मेंटेनेंस, कहाँ है मेंटेनेंस? माला का महित। बाबा धीरे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सॉरी सॉरी सुनो सॉरी। तुम देखना माधवी, अगर आज इसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं आया ना, तो ये आत्माराम तुकाराम भिड़े। बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, पूरी पाउडर गली में तूफान मचा देगा। भिड़े भाई, कैन आई कम इन? बागा भाई आइए ना, आइए। थैंक यू। हेलो सोनू। हाय। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते। अहो आ गया, अभी जरा आओ। सेठ जी ने आपके लिए ये भेजा है। सोसाइटी का मेंटेनेंस इसमें भेजा? तो गिफ्ट पैक करके क्यों भेजा है? वो आज झगड़ा किया था ना मेरे साथ सोसाइटी में सबके सामने, अभी शर्मिंदा होगा, पछता रहा होगा, इसलिए अभी पटाने की कोशिश है, नाटक है सब और कुछ नहीं। जाओ देना, उन्होंने जो कहा वो किया ना, ते महत्वाचार है, देखे ना क्या है उसमें। हाँ। और हाथ ऊंचे कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल। प्रेशर कुकर, सर कुकर, कुकर, प्रेशर कुकर। निर्लज्जपणाचा कळस आहे हा बेशरम जेठालाल। देखा माधवी देखा, सोसाइटी में सबके सामने मुझे प्रेशर कुकर बोल के मेरा अपमान किया था, वो क्या कम था जो अभी यहाँ पे प्रेशर कुकर भेज के वापस मेरा अपमान कर रहा है? बोलना था बोल। आप शांत हो जाइए। बागा भाई, जेठा भाई ने प्रेशर कुकर भेजा है। हाँ माधवी भाभी, ये तो मेरी समझदारी कि मैंने प्रेशर कुकर भिड़े भाई के हाथ में दिया। बाकी सेठ जी ने तो कहा था कि प्रेशर कुकर भिड़े भाई के मुंह पे मारना। कुकर मुंह पे मारना? अच्छा तो मैं चलता हूँ, सेठ जी के लिए कोई मैसेज? अरे उसे जो भी मैसेज देना ना, मैं फोन करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते भिड़े भाई। सोनू चलता हूँ, माधवी भाभी चलता हूँ, ब्रांडेड है। जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अभी समझ में आया ना माधवी, आत्माराम भिड़े को गुस्सा क्यों आता है? माला कुकर पाटो जेठालाल। क्या हो गया इसको? हाँ बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े। जेठालाल क्या है, क्या ये, क्या है ये? अरे क्या है क्या है क्या, यही मेरा तरीका है, प्रेशर कुकर। अब एक साल तक मुझे परेशान मत करना, समझा जेठालाल। बस बस भाई, अभी फोन रख, डिस्टर्ब मत कर भाई, बहुत काम है मुझे इधर।
मेरी बात सुनो, जेठा मेरी बात सुनो। कैसे लो? मेरा फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया जेठालाल ने। नहीं नहीं नहीं, आता हा आत्माराम तुकाराम भिडे शांत नहीं बसणार। अभी देखना, अब ये आत्माराम तुकाराम भिडे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ओहो, कुकर के लिए सुप्रीम कोर्ट? माधवी, सुप्रीम कोर्ट म्हणजे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उनके पास जाऊंगा मैं। जेठालाल गड़ा, तू गेला साता। मामा बोल तो काय रे, सोतो की काय तुला मी। सोनू, तू पढ़ाई कर, मैं अभी आती हूं, और चिंता मत कर। सांड को लाल कपड़ा दिखाने पे जैसी स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति इस वक्त भिड़े की है प्रेशर कुकर को देखने के बाद। और ये प्रेशर कुकर अब सीटी नहीं बजाएगा, ये फटने वाला है, और असर होगा जेठालाल पे। भाई बेचारा जेठालाल क्या करे, उसने तो 50,000 रुपए भेजे थे बाघा के हाथों भिड़े को देने के लिए, लेकिन पहुंच गया कुकर। करे कोई भरे कोई, लेकिन सबसे मूल प्रश्न अभी तक यही है कि आखिर बाघा ये गलतियां क्यों कर रहा है? और ये तो गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। और तब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि माऊजी टेढ़ा को 50,000 रुपए मिल गए हैं? भाई यहाँ स्थिति बड़ी विकट है, लेकिन जो भी होगा आपके घरों में हंसी की सीटी बजती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।